नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ और विजुअल आप तक पहुँच रहे हैं दोस्तों, कि हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं इस बार। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है दोस्तों? अगर पहुँच रही है तो चैट बॉक्स में यस बताइए प्लीज़ करके। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है दोस्तों तो चैट बॉक्स में बताइए यस करके। सर आवाज़ आ रही है? एक बार लाइक और शेयर का बटन दबाओ दोस्तों मेरा। जैसा उस दिन हमारी चैट हो रही थी, मैंने काफ़ी लोगों से कहा था कि हम बात करेंगे यूपीएससी सिलेबस को डिकोड करेंगे आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा था हम लोग संभवतः संडे को स्पेशल क्लास लेंगे इस पर और बात करेंगे आपके साथ, सिलेबस क्या है, बुक्स क्या चाहिए रहेंगी हमको, यहाँ पर सिलेबस के क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन फटाफट आप लोग आ जाइए दोस्तों। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था सर एक स्पेशल लेकर आइए सेशंस के ऊपर। चलिए दोस्तों, बात करूं मैं आपसे इस बार आज सिलेबस की। यूपीएससी तैयारी आप शुरू कर रहे हैं तो तैयारी शुरू कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो एक पहला सवाल दिमाग में आप लोगों के होता है वो है सर कि बुक्स क्या करें, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तैयारी को कैसे शुरू करना चाहिए सर, सिलेबस को कैसे समझें हम लोग, सिलेबस को यूपीएससी हमसे क्या चाहता है, इसकी हम बात करें दोस्तों। तो आज मैं कुछ बात करूँगा इस बारे में आपके साथ यहाँ पर कि सिलेबस को डिकोड करना है, सिलेबस कैसे समझें हम लोग। इतने टॉपिक लगते हैं देखने में, अगर मैं सीधी बात पीपीटी हटाऊं अपनी यहाँ पर, अभी मैं सीधे आपसे बात करूँ यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी है, बाद में बात करेंगे बुक्स आदि के बारे में। पहले यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है इसको समझना ज़रूरी है दोस्तों। तैयारी बहुत लोग करते हैं, मैं कहूँ तो हर देश का हर बच्चा चाहता है तैयारी करना, लेकिन एक तो बहुत सीमित लोग तैयारी कर पाते हैं, उसमें से बहुत ही कम लोग, मैं कहूँ 1% लोग ही सीरियस होते हैं और 1.1% का सिलेक्शन होता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा। हर साल 1,000,000 लोग फॉर्म भरते हैं, 5,00,000 लोग या 4,00,000 लोग एग्ज़ाम देने आते हैं। उन 4,00,000 लोगों में सोचिएगा जस्ट 10 से 15,000 पीटी निकालते हैं, यानी आप समझ सकते हैं 2 से 3% लोग पीटी निकाल रहे हैं केवल यहाँ पर। उस 2 से 3% में से भी आप समझ सकते हैं लगभग 1,000 लोगों का इंटरव्यू कॉल आता है, या मैं कहूँ 3,000 लोगों का इंटरव्यू कॉल आता है, यानी 1% का भी इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा। 0.75% का इंटरव्यू कॉल आता है, उसके 1/3 यानी 0.25% बच्चे सिलेक्ट होते हैं हर साल। तो आखिर क्या गलती हो रही है, मतलब आखिर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन है वो तो बात सही है, लेकिन बहुत बच्चे होते हैं जो पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या कई बार मेंस के स्तर पर पहुँच के रह जाते हैं, बार बार रह जाते हैं। तो आखिर क्या गलती हो रही है कि हम सिलेबस को कैसे समझें कि हमारा एक बार में या एक या सेकेंड अटैम्प्ट में हम लोग अच्छा प्रयास कर सकें और सीरियस अटैम्प्ट पर दे सकें, स्कोर निकाल सकें एग्ज़ाम। तो हम बात करना चाहेंगे दोस्तों आपसे आज कि सिलेबस कैसे करें। देखिए, तैयारी करना कंपटीशन है, दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं कि आप ही को समझ में आएगा सिलेबस, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। सभी को समझ में आता है सिलेबस, मेंटरशिप होती है उनकी अच्छी, वहाँ पर उनके बच्चे टीचर्स होते हैं, कई बार ऑनलाइन ऑफलाइन स्वयं से पढ़ रहे होते हैं, बच्चे सीख रहे होते हैं, सीनियर गाइडेंस होता है, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट का उनके पास गाइडेंस होता है, कई बार लोग किसी का परिवार में कोई सिलेक्ट हो गया, किसी का दोस्त कोई सिलेक्ट हो गया तो उसको आइडिया होता है, कई लोगों के पास गाइडेंस होता है, कई के पास नहीं होता। तो एक डिसएडवांटेज उन लोगों को है जिनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलता है, मेंटरशिप प्रॉपर नहीं मिलती। तो पहला हमारा काम होता है बीइंग अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपके साथ हूँ, अल्टीमेट गोल हमारा होता है कि आपको सही गाइडेंस मिल पाए। तैयारी आप ही करनी है दोस्त, तैयारी मैं नहीं कर सकता आपके लिए, ना कोई शॉर्टकट दे सकता हूँ मैं आपको इसका कि यार ये बस इतना कर लो सिलेक्ट हो जाओगे। आपको लगता है कि शॉर्टकट केवल आपको आता है, 4,00,000 बच्चे 5,00,000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनमें से आता है बहुत लोगों को और वो प्री क्वालिफाई कर भी रहे हैं। तो शॉर्टकट केवल नहीं है, बहुत सारे फैक्टर और भी हैं, कोई एक की या एक चाबी या एक कुंजी नहीं है इसकी कि मैं कहूँगा ये कर लो और काम हो जाए। यूपीएससी कई तैयारियों की जोड़ है अपने आप में, सबका परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए आपके पास, तभी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं सीक्रेट फॉर्मूला इसका मैं दे दूँ और ये हो जाए काम यहाँ पर, लेकिन आपकी जीवन शैली में कहूँ, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप कितना घंटे पढ़ते हैं, कितना घंटे अच्छा समझते हैं, आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड कैसा रहा है, आपके घर का माहौल कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपने सिलेबस को कितना अच्छा समझा, आपकी रिवीजन करने की क्षमता कितनी अच्छी है, आपको चीज़ों को याद रखने की क्षमता कितनी अच्छी है, आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड कितना अच्छा है, सब चीज़ें बैलेंस होना ज़रूरी है एक यूपीएससी सफल कैंडिडेट के लिए। कोई कहते केवल पढ़ाकू बच्चे हो जाते हैं, तो आप जानते हैं पढ़ाकू बच्चे नहीं होते, अगर केवल पढ़ने वाले बच्चे होते तो यूपीएससी जाता, यूनिवर्सिटी टॉपर को उठाता, सिलेक्ट कर देता। तो अगर पढ़ाकू बच्चे नहीं चाहिए उसको वहाँ पर, उसे केवल मेरिट वाले बच्चे भी नहीं चाहिए यहाँ पर, वरना वो 80-90% क्राइटेरिया रखता कि भाई इतने लोग ही दे पाएंगे एग्ज़ाम यहाँ पर, 80% क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखता वो यहाँ पर, ऐसा भी नहीं किया उसने, यानी उसको मेरिट वाले बच्चे भी नहीं चाहिए। उसको एक ऐसा बच्चा चाहिए, एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो बैलेंस्ड हो, उसकी पर्सनैलिटी से लेकर, उसकी नॉलेज से लेकर, उसके बोलने कम्युनिकेशन स्किल से लेकर, उसकी राइटिंग स्किल से लेकर, हर जीवन के हर क्षेत्र में वो संतुलित दिखे उसको।
उसके बोलने का, सुनने का, समझने का, बात करने का, कम्युनिकेशन स्किल का हर तरीका संतुलित हो। तो ऐसे में सिलेबस या हम बात करें जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो है पढ़ाई। बाकी चीज़ें आप अपने घर में अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं 20-25 सालों में, वो एकाएक नहीं बदलेगा, मेरे कहने से नहीं बदलेगा वो, और आपके आज रात को प्रयास करने से नहीं बदलेगा। हाँ, प्रयास करना शुरू करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन जो हम और आप कर सकते हैं यहाँ बैठकर वो है आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई। यहाँ पर उसको कैसे बेहतर करें, उसको कुछ लेवल पे लेकर आएँ जिससे बाकी कैंडिडेट के बराबर हम लोग कर सकें। तो नो डाउट आपके लिए आपका सिलेबस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद आप तैयारी शुरू कर पाते हैं। तो सिलेबस की बात करेंगे आपके साथ दोस्तों। क्या हुआ, सब लोगों को सुनना नहीं है क्या? मैंने यार कहा था संडे क्लास होगी, ये संख्या बल दिखा रहा है आप लोगों को, कहीं ना कहीं आपको मतलब नहीं है सिलेबस से ज़्यादा। कोई बात नहीं, आइए हम बात करते हैं। मैं मेरा अपना काम करूं, आप अपना काम करिएगा उसके बाद। देखिए, जैसा आप एग्ज़ाम पैटर्न तो जानते हो, एग्ज़ाम पैटर्न का समझा नहीं है, एक प्री एग्ज़ाम होता है दोस्तों आपका, एक मेंस का एग्ज़ाम होता है, और एक लास्ट स्टेज होती है आपके इंटरव्यू की। प्री स्टेज में दो पेपर दोस्तों आपके होते हैं, एक सी सेट का और एक जीएस का, जहाँ सी सेट क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और जीएस आप जितना मेरिट अच्छा स्कोर करेंगे उतना अच्छा माना जाता है। 200 मार्क्स का पेपर होता है दोस्तों, कट ऑफ थोड़ा वेरी करता रहता है, 91 से लेकर 119 कट ऑफ वेरी करा है यहाँ पर, तो मान सकते हैं 100 नंबर के आसपास कट ऑफ आता है। पिछले कुछ दिन 90 भी कट ऑफ आया, 120 भी कट ऑफ गया है कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले, तो कट ऑफ थोड़ा वेरी करता रहता है, 100 के आसपास मान लीजिए। सी सेट क्वालिफाइंग है, 1/3 क्वेश्चन सक्सेसफुल कर दीजिए, सी सेट क्वालिफाई हो जाता है। हालांकि चैलेंज इसमें बहुत ज़्यादा है, पीटी का ही दरवाज़ा बड़ा कठिन दरवाज़ा है, लेकिन एक बार मैं चाहूँगा आपके संग सिलेबस मेंस की बात करना दोस्तों। मेंस में सब जानते हैं जीएस के पेपर 1, 2, 3, 4 चार पेपर होते हैं जीएस के, 250 मार्क्स ईच, यानी 1000 मार्क्स का हमारा जीएस हो गया। फिर एससे का पेपर होता है दोस्तों, एक एससे का एक पेपर होता है, इसमें दो एससे लिखने होते हैं, अभी पैटर्न यही चल रहा है हाल फिलहाल। इसके अलावा आपका आपकी लैंग्वेज का जनरल इंग्लिश और हिंदी चुनते हैं तो हिंदी, या कोई और क्षेत्रीय भाषा तो उसका, तो जनरल हिंदी इंग्लिश का आपका होता है। किसी आप क्षेत्रीय भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई करना आपके लिए कंपलसरी होता है। चलिए हम बात करें यहाँ पर, तो हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है कंपलसरी होता है, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके अलावा आपके ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शनल होता है आपका यहाँ पर, जिसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, टोटल मार्क्स 500, टोटल मार्क्स होते हैं 1750 दोस्तों, 1750 मार्क्स का टोटल आपका मेंस का पेपर होता है। चलिए, फिर आपका इंटरव्यू तैयारी होती है, वो अलग बात है। हमारा काम यहाँ पर दोस्तों है आपके साथ वो है कैसे समझें सर मेंस के सिलेबस को। मेरा यूपीएससी, देखिए बहुत सीधी बात समझिएगा, बहुत इस एक बहुत ध्यान सुनिएगा इस बात को। यूपीएससी क्या चाहता है, यूपीएससी प्री पेपर देता है आपको, प्री में आपको निशान लगाना है। आप और यूपीएससी के बीच इंट्रैक्शन का एक ही तरीका है, वो है आपकी ओएमआर शीट। वो नहीं जानता आपकी स्किल क्या है, वो नहीं जानता आपने कैसे निशान लगाया, तुक्के से लगाया, अपनी नॉलेज से लगाया, स्किल से लगाया, कितना ज्ञान आपके पास है, वो नहीं जानता। वो सिर्फ ये दिखता है पीटीएम क्वालिफाई किया, मतलब एक बेसिक नॉलेज इसके पास है, चलो इन सबको बाहर करो, अब इन बच्चों से बात करते हैं। वो आपको सिलेक्ट करता है, एक प्रकार शॉर्टलिस्ट करता है कि हाँ, इन बच्चों से मैं बात कर सकता हूँ, इन बच्चों से मैं बात कर सकता हूँ, यूपीएससी आपसे डायलॉग करना चाहता है, और डायलॉग का तरीका होता है आपकी मेंस की कॉपी। तो इन पॉइंट बात है, यूपीएससी क्या चाहेगा इस मेंस की कॉपी से, वो आपके अंदर की जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो आपके अंदर की जो लेखन शैली है, आपके अंदर का जो ज्ञान है उसको देख सके। उसको सिर्फ ज्ञान, आपको सिर्फ नॉलेज चेक नहीं करनी है, उसको आप पर्सनलिटी चेक करनी है अभी कॉपी से। तो यार कि जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, वो केवल आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं होती। अगर ज्ञान की परीक्षा हो रही होती तो लोग रट के जाते, छाप के आते, टॉपर बन जाते, लेकिन ज्ञान की परीक्षा नहीं है आपके, ये आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है, जहाँ पर आप और आपके यूपीएससी के बीच में आपकी कॉपी है। आप जो लिखेंगे वो कॉपी वो चेक करेगा, उसके आधार मूल्यांकन करेगा। आप वहाँ पर सामने बैठकर उनको प्रेजेंट नहीं कर रहे कि सर मेरी कॉपी में ये लिखा है, इसका मतलब ये है। आप जो शब्द लिख देंगे, यूपीएससी उसे जज करेगा आपका कैरेक्टर वहाँ पर, आपका व्यक्तित्व वहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट बात है, यूपीएससी इन क्वेश्चंस को पूछेगा, उन चीज़ों को पूछेगा जिससे आपका व्यक्तित्व निकल के आ सके। चाहे वो आपसे विचार मांग सकता है, आपकी किसी टॉपिक पर कितनी अच्छी समझ हुई है वो मांग सकता है, आपका विभिन्न विषयों के बारे में पूरा एंटायर सिलेबस आप देखिएगा, आपके एथिक्स के पेपर हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे मॉडर्न इंडिया का हो, या आपका ज्योग्राफी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, कोई भी हो, वो आपके कंप्रहेंसिव नॉलेज चेक करना चाहता है। उसे मास्टर्स नहीं चाहिए यार, उसे हर विषय का एक्सपर्ट नहीं चाहिए,
उसे विषय का सामान्य ज्ञान चाहिए। पेपर का नाम ही जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में वो सामान्य नॉलेज चाहता है आपसे, लेकिन वो चाहता है सामान्य नॉलेज को आप जब प्रेजेंट करें तो यूपीएससी को पूरी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप समझिएगा सिलेबस का मतलब है सामान्य अध्ययन। आपको किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको ऑप्शनल के स्तर की नॉलेज नहीं चाहिए। अंतर होता है एक सामान्य अध्ययन में और एक होता है ऑप्शनल स्तर की नॉलेज में। एक टॉपिक को डिटेल स्टडी करना मतलब इतना समझना कि आप उसके पीएचडी स्कॉलर बन गए हैं, आपसे ज़्यादा उस दुनिया में उस टॉपिक कोई नहीं समझता, उस सब्जेक्ट का मास्टर होना। एक होता है उस चीज़ की समझ मुझे है, अगर ज़िंदगी में व्यवहारिक रूप में सामने आया तो मैं निपट लूँगी मैं उससे। ये होता है सामान्य ज्ञान, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। बात वहीं आती है, यहाँ पर यूपीएससी को किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं चाहिए। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, एक मिनट में चैट बॉक्स देख लूँगा आपका। ओके दोस्तों, मैं बता रहा था आपको यहाँ पर कि किस प्रकार यूपीएससी और आपके बीच में आपकी कॉपी होती है, और उस कॉपी के ज़रिए ही यूपीएससी जज करता है आपकी आपकी पर्सनैलिटी को। तो यूपीएससी आपका सिलेबस कुछ प्रकार डिज़ाइन करता है कि आपकी हर सब्जेक्ट पर वो चेक कर सके सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान है क्या नहीं, आपका विचार क्या है, आपको उस फील्ड में मौका पड़ा डिसीजन लेने का तो आप क्या करेंगे, आपके विचार आपके तर्क क्या हैं उस बारे में। तो सिर्फ यूपीएससी की कॉपी आपकी नॉलेज के लिए नहीं होती, नॉलेज वो चेक कर चुका बेसिक प्री में आपकी, हाँ आपको ज्ञान है, आप फैक्ट रट के आए हैं, आपने निशान लगाया है, आपको एक नॉलेज है। यहाँ वो चेक कर रहा है मेंस की कॉपी में, चेक कर रहा है दोस्तों वो आपका कि आपके अंदर उस चीज़ को प्रेजेंट करने की क्षमता है क्या नहीं, समझिए इस बात को। ज्ञान को प्री में चेक कर चुका लेकिन ज्ञान को ये नहीं जान पाए कि आपको प्रेजेंट करने की क्षमता है कि निशान लगाना था, गोला भरना था, वो कुछ नहीं जानता आपके बारे में। हाँ, इसको इतना मालूम पड़ गया यूपीएससी को कि आपको एक बेसिक नॉलेज है, चीज़ों की बेसिक समझ आपको है, लेकिन इस समझ को क्या आप प्रेजेंट कर पाते हैं, तो मेंस यहीं बनता है। मेंस आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, मेंस ज्ञान को प्रेषित करने की परीक्षा है, कम्युनिकेट करने की परीक्षा। आपके पास जो ज्ञान है कितना अच्छा लिख पाते हैं, कितना अच्छा बता पाते हैं। तो यूपीएससी के सिलेबस देखें पहले, हमें यही ध्यान रखना होगा कि हमें वहाँ पर ज्ञान एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, कि बहुत ज़्यादा नॉलेज हमको हो उसके बारे सब्जेक्ट के बारे में नहीं। हमें उस सब्जेक्ट को कैसे बेहतर लिखना है, कैसे बेहतर प्रेजेंटेबल बनाना है, हमारा फोकस ये चाहिए। और बच्चे यही गलती करते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं। अब एग्जांपल दूं मैं आपको, अब आपको नहीं मालूम कि यार AI चलो सबको मालूम है आज की डेट में, IoT क्या मालूम है सबको, चलिए एक है कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, संज्ञानात्मक ज्ञान, चलो मालूम भी है थोड़ा बहुत आपको, ये थोड़ा बहुत ही नॉलेज चाहिए आपको वहाँ पर। लेकिन हमें क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, एक एक लाइन इसके अनुमान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। प्री में हो गया यार वो काम प्री में कर चुके आप। अब यहाँ पर है AI या कॉग्निटिव कंप्यूटिंग का आपके लिए क्या काम की चीज़ है, इसको शब्दों में बताओ यार, मुझे बोल के बताओ 100 शब्दों में इसको। आप अगर आपको 2 मिनट दूँ कॉग्निटिव कंप्यूटिंग बोलने के लिए, तो क्या बोलोगे कॉग्निटिव कंप्यूटिंग पर, आप कैसे प्रेजेंट करोगे 2 मिनट के अंदर मुझे आप इस बात को। दिमाग में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, अच्छा कॉग्निटिव कंप्यूटिंग परिभाषा ये होती है, इसका यूज़ ये है, इसका बेनिफिट्स हमको ये मिलेंगे, इंडिया इसका इस स्टेज में है इसके, और इसके नुकसान या इसके चैलेंजेस क्या हैं। एक दिमाग में फ्रेमवर्क होता है,
एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए यार, टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं चाहिए। कमोडिटी कंप्यूटिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर लगाया मैंने, क्या पाइथन से डिज़ाइन किया, क्या मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, कहाँ से बनाया मैंने, नहीं चाहिए मुझे इतना ज्ञान। मुझे ये चाहिए कि कॉग्निटिव कंप्यूटिंग पर आपको सामान्य अध्ययन है, आपको सामान्य नॉलेज है। तो पहली बात तो यूपीएससी सिलेबस को देख के एक चीज़ समक्ष ध्यान रखिएगा, और वो है अपना उस टॉपिक पर एक सामान्य समझ होना। उस टॉपिक पर जो हम कहते हैं ना 4W1H, वो कॉन्सेप्ट क्यों है यार, कैसे है, क्यों काम कर रहे हैं, क्या कहाँ से आया टॉपिक ये, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नॉलेज होना चाहिए हर टॉपिक के बारे में। अगर इतना है तो सामान्य अध्ययन का सिलेबस बड़ा मुश्किल काम नहीं है। फिर आप, मैं ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शनल में आपके ऑप्शनल से बताएंगे आपको, कभी मैं बात करूँगा ऑप्शनल के बारे में, लेकिन प्री जीएस मेंस के स्तर पर हम देखें, हमको आवश्यकता है केवल एक सामान्य अध्ययन की। तो कोई भी टॉपिक देखिए, मान लीजिए लिखा है आपका एग्जाम्पल सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस टॉपिक पेपर 2 में, उसमें एक टॉपिक है पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य। अब ये जन स्वास्थ्य इन पॉइंट बात है, अगर मुझसे कहा जाए आशीर्वाद जी जन स्वास्थ्य पर आपको 200 या 300 शब्द बोलने हैं 2 मिनट के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे? यहीं पर आती है कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों, यहीं पर आता है। आप सोचिए क्या बोलेंगे जन स्वास्थ्य पर, आपको कहा जाए पब्लिक हेल्थ पर बोलना है 300 वर्ड, लेकिन सबको समेटना है इसके अंदर आपको, इसमें इंडिया जन स्वास्थ्य होता क्या है, पब्लिक हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है, भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में पब्लिक हेल्थ क्यों ज़रूरी है, पब्लिक हेल्थ के सामने चैलेंजेस क्या हैं, और भारत सरकार ने पब्लिक हेल्थ को अच्छा करने के लिए क्या काम किया है। अगर इन पांच में हाथ में छह उंगलियां, 5 पॉइंट मान लीजिए, इन 5 पॉइंट पर बोलना चालू करें, सबको बांट लें कितनी देर ये, इतनी देर ये, इतनी देर ये, तो आप उस 3 मिनट के अंदर या 300 शब्दों के अंदर उस बात को बेहतर ढंग से कह पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे एक तो गलती, मैं कॉपी चेक करता हूँ बच्चों की मेंस की, मुझे लगता है कि कहाँ गलतियाँ होती हैं, हम एक वेटेज बहुत ज़्यादा देते हैं कि अच्छा पब्लिक हेल्थ होती क्या है, उसको समझाने लगा दिए 50 शब्द। नहीं चाहिए यार यूपीएससी को, यूपीएससी को सामान्य अध्ययन में बताइए पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या है, 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम हो तो 25 वर्ड्स बस। अब आइए पब्लिक हेल्थ का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या बेनिफिट हैं इसके, और सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं इसके लिए। आप इन पांचों को, मैंने कहा ना बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, संतुलित होना बहुत ज़रूरी है, तो प्रयास की संतुलन में रख पाए इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो हमेशा सिलेबस को आप जब भी देखें, कोई भी टॉपिक सिलेबस का देखें, तो पहले दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाइए उस सिलेबस के टॉपिक के बारे में। एग्जाम्पल दूंगा, जैसे मैं आपको पेपर 3 साइंस टेक में जाएंगे ना, आप एक टॉपिक मेंशन है वहाँ पर रोबोटिक्स, चलिए रोबोटिक्स की बात करें, तो रोबोटिक्स सिलेबस में है, मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए रोबोटिक्स पढ़ते समय, मैं सिलेबस डिकोड करूँ मुझे क्या पढ़ना है रोबोटिक्स पर, ओके रोबोटिक्स क्या है, व्हाट इज़ रोबोटिक्स, एक डेफिनेशन दिमाग में होनी चाहिए मेरे पास हमेशा, ठीक है। अगर रोबोटिक्स क्योंकि साइंस टेक का टॉपिक है, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज, क्या होते हैं रोबोट्स के पार्ट्स, क्या होते हैं रोबोट के नियम, क्या एसिमोव के लॉ 3 लॉ ऑफ रोबोटिक्स क्या है, या रोबोट किस पार्ट से मिलकर बनते हैं, कुछ बेसिक टेक्निकल आइडिया, क्योंकि तकनीक का मामला है, थोड़ा टेक्निकल आइडिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सामान्य अध्ययन तो आपके पास है ही है, टेक्निकल आइडिया थोड़ा सा हो मेरे पास यहाँ पर, ओके। रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स के एडवांटेज क्या हैं, क्या फ़ायदा होगा रोबोटिक्स से, रोबोटिक्स बढ़ता है तो क्या इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे, क्या एम्प्लॉयमेंट कम होंगे देश में, देश को क्या फ़ायदा होगा रोबोटिक्स के आगे बढ़ने से, हम उन इलाकों में एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे जहाँ पहले हम नहीं कर पाते, अब चांद पे भेजना, चांद पे इंसान तो जाएगा नहीं तुरंत अभी, तो चांद पे हम रोबोट भेज के देखेंगे पहले वहाँ पर, या नीचे सीवर लाइन में उतरना है वहाँ पर लोग मारे जाते हैं हमारे यहाँ काफ़ी, तो वहाँ पर रोबोट सफाई करें जाकर, या जो एक प्रकार से बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए, वॉल्केनो में जाकर स्टडी करना है, डीप सी में जाकर स्टडी करना है, हम स्टडी में इंसान नहीं भेज सकते हैं, वहाँ रोबोट काम आ सकते हैं, तो रोबोट का पॉजिटिव आस्पेक्ट, यूज़ ऑफ रोबोट नॉलेज होना चाहिए हमको यहाँ पर। रोबोटिक्स का हमें चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, आलोचना क्या है, बताइए यहाँ पर थोड़ा सा जो भी आपको लगता है। देखिए बताना नहीं है, आपको फ्रेमवर्क दिमाग में लाना है कि टॉपिक पर क्या बोलना है मुझे, उसके अकॉर्डिंग फिर तैयारी शुरू करनी है। फिर रोबोटिक्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्रयास किए हैं, कुछ अगर कोई चैलेंज लॉन्च किया, AI चैलेंज लॉन्च किया है, रोबोटिक्स मिशन लॉन्च किया है, कोई डिपार्टमेंट बनाया है, कोई फाइनेंस जारी किया है, बजट में कोई बात कही है, क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन आ गया, AI मिशन आ गया, CSE मिशन आ गया, कुछ आए हैं क्या मिशन, भारत सरकार प्रयास कर रही है, एक ये हुई सामान्य बात। अब इसके आगे चलो तो UPSC की तैयारी अपनी, ये सामान्य नॉलेज होना चाहिए आपको इतने इसके बारे में। अब यहाँ पर इसको लिखने की कला, अगर मैं अपने से डिज़ाइन करूँ क्वेश्चन कि रोबोटिक्स से आप क्या समझते हैं, भारत की 21st सेंचुरी रोबोटिक्स सेंचुरी हो सकती है, इस पर कमेंट करना है, क्वेश्चन की कमी नहीं UPSC में, लेकिन इस टॉपिक पर उठाया मैं रोबोटिक्स, पहले सोचा मैंने क्या क्या चाहिए, फिर एक क्वेश्चन फ्रेम किया मैंने इस पर, और फिर मैं लिखना चालू किया 150 से 250 वर्ड्स के बीच में पूरी कहानी, जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। अगर आप लिखने में सक्षम हैं, कब लिख पाएंगे, जब 5 पॉइंट दिमाग में हैं आपके, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एफर्ट लगाए हैं, यही नहीं मालूम कि नेगेटिव भी होते हैं, आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा। तो आंसर राइटिंग के साथ सिलेबस डिकोड कीजिए,
कोई भी टॉपिक उठाते हैं उसके बारे में हमेशा समझिए यार इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब हो सकता है यूपीएससी इतना आसान नहीं है, यूपीएससी करेगा क्या, वो दे देगा इसमें से एक चीज़ उठा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स में से कहेगा हाल ही में भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन लॉन्च किया, इसके फायदे नुकसान पर चर्चा करें। अल्टीमेटली क्या पूछा इसने, क्वांटम टेक्नोलॉजी पूछ लिया आपसे, फॉर्मेट वही होगा, क्या है क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्या है टेक्नोलॉजी, क्या तकनीक है इसके अंदर, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, सरकार ने क्या प्रयास किया। अगर आप इस फॉर्मेट में चलते हैं चीज़ों को लेकर तो बहुत आसान होगा। हमेशा प्रयास कीजिए कि सिलेबस का कोई भी टॉपिक वहाँ लिखा हुआ है उसको डिकोड करना, जो कहते हैं डिकोड करना, मतलब उसमें क्या क्या संभावनाएं खुल सकती हैं। एग्जांपल लेता हूँ, चलिए मैं और कोई टॉपिक लेके आता हूँ, चलिए आपको टॉपिक ले चलता हूँ किस टॉपिक पर आपको यहाँ से। चलिए जैसे एज्यूम इट पेपर 3 इकोनॉमी सिलेबस है जीएस का दोस्तों, ठीक है आपके सामने इकोनॉमी का सिलेबस दिख रहा है जीएस का ये। अब पेपर 3 का इकोनॉमी का सिलेबस है, लगभग 180-100 मार्क्स की इकोनॉमी आती है आपके एग्ज़ाम में, 80-90 मेंस पेपर 3 में आती है, 4-5 क्वेश्चन 150 वर्ड्स के आते हैं और 4-5 क्वेश्चन ही आपके 250 वर्ड्स के हैं। अब चार क्वेश्चन मान लीजिए 10 मार्क्स के, चार क्वेश्चन हो गए 40 मार्क्स के दोस्तों, और चार क्वेश्चन 50 मार्क्स के यानी 60 मार्क्स के, टोटल होगा 100 मार्क्स नियरली, इतना लगभग क्वेश्चन आते हैं आपके। अब सिलेबस देखिए दोस्तों, सिलेबस है मान लीजिए एग्जांपल गवर्नमेंट बजटिंग, या कोई और टॉपिक ले लीजिए, फूड प्रोसेसिंग वाली टॉपिक है, पूरा का पूरा मेंशन किया है आपके सिलेबस में, बकायदा उसने डिकोड कर दिया पूरा सिलेबस आपका। फूड प्रोसेसिंग क्या है, इससे रिलेटेड इंडिया में इंडस्ट्री क्या है, उनका स्कोप कितना है इस इंडस्ट्री का, इसका सिग्निफिकेंस का महत्व क्या है, लोकेशन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, कहाँ बननी चाहिए, अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। अब सोचिएगा एक टॉपिक छोटा सा मैं दूँ आपको, भारत में सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, इस पर आपको कमेंट करने को कहूँ मैं आपसे। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पहली बात तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, नॉलेज होना चाहिए व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की बात कर रहे हैं आप लोग, आपूर्ति श्रृंखला, किसान कच्चा माल तैयार करे, कच्चा माल फैक्ट्री तक पहुँचे, फैक्ट्री में उसकी प्रोसेसिंग हो, प्रोसेस चीज़ मार्केट तक पहुँचे और ग्राहक के घर तक पहुँचे, ये पूरी चेन हो गई सप्लाई चेन, किसान के खेत से लेकर आपके घर के किचन तक। ये जो सफ़र तय किया, पहले गेहूं पैदा हुआ, गेहूं से आटा बना, आटे से ब्रेड बनी, ब्रेड आपकी किचन में आई, ये जो सफ़र तय किया है इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किसान को इनकम मिल रही है, इंडस्ट्री में रोज़गार मिल रहा है, आपको फूड सिक्योरिटी मिल रही है, तीन कॉन्सेप्ट। चैलेंजेस क्या हैं, किसान के प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है, फर्टिलाइज़र गलत यूज़ हो रहा है, या उसके पास मंडी सिस्टम नहीं है, अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा गेहूं को, उसको इंडस्ट्री की समस्या क्या है, ब्रेड बनाने के लिए जो उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो पावर सप्लाई चाहिए, जो स्किलफुल लेबर चाहिए वो नहीं है उसके पास। घर में आप लेकर आते हैं, घर की समस्या क्या है, आते आते बहुत महंगी हो जाती है ब्रेड आपके लिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये आपके एंड पर हम देखें आपको समस्याएं फील होंगी। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कई समस्याएं हैं, एडवांटेज भी हैं, समस्याएं सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, सरकार ने महंगाई कम करने का प्रयास किया, वॉट एवर। देखिए सिर्फ आपको मैं नहीं कह रहा, उन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है मेरा, यहाँ पर पढ़ते आप सब कुछ हैं, आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया, मतलब सब कुछ आता है आपको, ये कोई ऐसी विशेष बात मैं आश्वासन नहीं करने वाले हैं जो आपको नहीं आती हो। लेकिन गलती कहाँ होती है, हम जब आंसर लिखने बैठते हैं, हम वो चीज़ जो यूपीएससी को सबमिट करनी है उसमें हम क्या करते हैं, हम उस आंसर को लिखते समय वेटेज किसी एक पॉइंट को ज़्यादा देते हैं। हमारी समस्या ये चालू होती है कि हम एक चीज़ को वेटेज ज़्यादा दे रहे हैं जिससे मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा पाऊँ यहाँ पर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो मान लीजिए आप लिखने बैठे हैं तो आपको यार बैलेंस होना चाहिए कि भैया मुझे कितने देर का क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्या इसके महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, चैलेंजेस क्या हैं इसके, सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, और यदि कुछ और बात कहनी है तो लास्ट में। अगर आप इस फॉर्मेट में इस चीज़ को तैयार करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा सिलेबस को डिकोड करना, ठीक है। देखिए मुझे इसका आंसर नहीं चाहिए, आंसर क्या लिखने वाले हैं वो मेरा मैटर बिल्कुल नहीं करता, मैं मानता हूँ जिस दिन आप मेंस लिखने जाएंगे इसके लिए मटेरियल कमी नहीं होगी आपके पास, जिस दिन आप मेंस लिखने आपको आज लगता है कि यार क्या लिखेंगे कैसे बोलेंगे, आप जिस दिन प्री क्वालिफाई कर लेंगे उस दिन गारंटी से बोल रहा हूँ कंटेंट कमी नहीं होगी आपके लिखने के लिए, हज़ारों स्कीम दिमाग में चल रही होंगी आपके, आप सोचेंगे क्या लिखा जाए क्या छोड़ा जाए, गलती वहीं हो जाती है। पीटी क्वालिफाई करते करते बच्चे इतना पढ़ लेते हैं कि मेंस में क्या छोड़ें, और जब कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है ना दिमाग में तो मुश्किल होता है छोड़ें क्या,
और इस कारण होता क्या, चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं। तो ट्राई कीजिए बैलेंस ना हो चीज़ें, यहाँ पर संतुलित रहें। आप जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना आपका बैलेंस बना रहेगा। तो क्या करना है इसके लिए, फिर हमको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। पहला काम है प्रैक्टिस करनी है। जितने आंसर आप लिख सकते हैं, जितने आंसर आप लिख सकते हैं दोस्त, लिखिए बैठकर। मैं वो कई बार कह चुका हूँ, मत सोचा कीजिए क्या किस स्टेज पर हैं आप तैयारी के। आप तैयारी के पहले दिन हैं, कोई बात नहीं, सिक्स क्लास की एनसीईआरटी लीजिए, पहला चैप्टर पढ़िए, उसके पीछे क्वेश्चन है, लिखिए बैठकर। जैसे बच्चे को एबीसीडी सिखाते हैं पहले दिन से, वैसे ही काम करना है, वैसे ही आंसर प्रैक्टिस करनी है। कुछ दिनों में हाथ रुकना नहीं चाहिए चीज़ें आप पर। मैं अपनी ऑफलाइन बैचेज में जब भी चर्चा होती है एक बात कहता हूँ यार, कि लिखना चालू करो। मुझे याद है जब बैच चालू होता है ना, तो 500 बच्चे बैठे हैं अगर क्लासरूम में, सब कहते थे हम लिखेंगे लिखेंगे, एक दिन दो दिन लिख के भी लाते हैं, बढ़िया 100-100 बच्चे लिख के लाते हैं आंसर। अभी मेरे ऑफलाइन बैच एंड होने वाला है, कल परसों में एक क्लास चल रहा था, पहले दिन लगभग 100 बच्चे लिख के लाए मेरे पास स्टेज पर। सर 100 लोगों ने, मतलब 100 बच्चे लिख के लाए, सर आंसर लिखा है, बड़ा उत्साह जोश। लगभग 35-40 क्लास में मेरे टॉपिक ख़त्म होने वाला है आज, वो आज लास्ट क्लास है उसका। आज शायद एक या दो आंसर आते हैं मेरे पास। कहाँ गया वो जज्बा यार, क्या मैं आपको डेली मोटिवेट करूँगा बैठ कर के आंसर लिखो लिखो? ये आपके अनुशासनहीनता है कि आप नहीं लिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये मोटिवेशन बना के रखना है, डेली लिखना है हमको यार। तैयारी का जितना आप अखबार पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स करते हैं, जितना आप क्लास करते हैं, पीटी पढ़ते हैं, उतना ही तैयारी का अहम हिस्सा है कि आप आंसर प्रैक्टिस करें। क्योंकि आपके और यूपीएससी के बीच में कम्युनिकेट करने का एक ही तरीका है इंटरव्यू से पहले, और वो है आपकी कॉपी। और कॉपी क्या लिखी जाएगी वो डिपेंड करेगा आपकी आंसर स्किल पर, राइटिंग स्किल पर, ना कि कंटेंट पर। ये विश्वास मानिए, जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं मेंस का, उनके पास कंटेंट लगभग सबके बराबर होता है। उस चीज़ पर 250 वर्ड लिखने की क्षमता सबके पास होती है, लेकिन क्या वर्ड 250 वर्ड लिखने वाले हैं, यही अंतर करती है टॉपर और अंतिम व्यक्ति कॉपी में। तो सिलेबस को डिकोड करें हम लोग, करेंगे आपके साथ, बात करूँगा इस बारे में। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि क्या लिखना है, हमें नॉलेज होना चाहिए। क्या लिखना है मालूम है, कैसे लिखना है नॉलेज होना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ दोस्त, कोशिश करो यार, उठाओ एनसीईआरटी बुक्स। आपको लगता है कि आप सब पहला दिन तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्या लिखें क्या ना लिखें, समझ में नहीं बनता है, नहीं कलम नहीं चलती है, नहीं चलेगी कलम यार। मेरे घर में छोटा भतीजा है मेरा, वो भी छोटे स्टैंडर्ड में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी नहीं है, उससे बोला ABCD लिख रहा हूँ, लिख नहीं पाता ABCD। कुछ सालों बाद पक्का लिखेगा, बढ़िया लिखेगा, वो प्रैक्टिस करता रहेगा, लिखना है उसको डेली, होमवर्क मिलता है, डंडा पड़ता है वहाँ क्लास में जाकर, लिखना पड़ेगा उसको, लिखेगा वो ना, कलम चलेगी ना उसकी, क्योंकि वो सीख रहा है धीरे धीरे। वो ये नहीं कि छोड़ के बैठ गया, नहीं यार अब पूरा मैं फर्स्ट क्लास खत्म कर लूँ, सेकंड थर्ड में आ जाऊँ, फिर लिखूंगा मैथ्स का सिंपल प्लस माइनस करूँगा, नहीं, वो डेली प्रैक्टिस करता है, वो डेली इसको मालूम है होमवर्क करके ले जाना है, वरना डांट पड़ने वाली है। तो ये क्या है, ये डर, आपके पास डर ख़त्म हो जाता है। कोई पूछने वाला कभी नहीं होता आपसे कि आपने आंसर प्रैक्टिस किया आज। और जब ये डर खत्म हो जाता है, अनुशासन खत्म हो जाता है, तो हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं। मानव शरीर है, आराम करना चाहता है, ये बहुत बड़ा आराम खोर पसंद इंसान है हम लोग, और आराम करना चाहते हैं। जैसे हमको आराम मिलेगा, हाँ यार कल देखेंगे अब इसको, और जैसे ही कल देखने वाला एटीट्यूड आ गया ना, तैयारी रख दो बेटा साइड में, कुछ और काम कर लो, पकौड़े तलना चालू कर दो आराम से। ये छोड़ने वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए यार, करना है तो करना है। मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, लेकिन एक बात आपसे कहूँगा, आपके बात आपकी लगभग आपकी उम्र का ही हूँ, थोड़ा सा सीनियर हो गया हूँ। एक बात है यार, कि मुझे अगर करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, या मुझे कुछ कल काम करना है, क्योंकि मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मुझे क्लास में जाके बोलना है, मुझे क्लास में जाके पढ़ाना है, तो अकाउंटेबिलिटी का एहसास होता है। तब मैं रात को 12 बजे हों, 2 बजे हों, 3 बजे हों, मैं उस चीज़ को पढ़ता हूँ, क्योंकि सुबह जाकर डिलीवर करना है मुझे वहाँ पर। मैं उसको कल के लिए नहीं डाल सकता, क्योंकि वहाँ 500 बच्चे आएंगे और मुझे उनको पढ़ाना है। ये जिम्मेदारी का एहसास होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना कब आएगा, जब आप थोड़े समझदार होंगे। तो आवश्यकता क्या है, आप अनुशासन में आइए। आपको कर आपको ही होता क्या ना, इस स्टेज में आकर आप कॉलेज लेवल पे आ चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं, कोई नहीं पूछता आपसे आप क्या कर रहे हैं, कोई नहीं पूछता, और यहीं पर हम लेजी हो जाते हैं। लिखिए यार, सिक्स आंसर्स लिखिए, क्यों लिख पाएंगे? सिक्स क्लास का चैप्टर पढ़ा एनसीईआरटी का पहला, पीछे क्वेश्चन नहीं है, 50 वर्ड में 100 वर्ड में लिखो यार, क्यों लिख पाओगे? सिक्स क्लास की एनसीईआरटी है ना। हमें लगता है इतने आसान सवाल क्यों लिखें यार, हमें तो सब आता है। लिखेंगे नहीं, हमें सब आता है। तो 90% बच्चे कॉम्पिटिशन के बाद तभी हो जाते हैं, हमें सब आता है। मैं यार आज भी पढ़ता हूँ, मुझे लगता है नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे तो आज डेली अपग्रेड करता हूँ अपने स्किल्स को, मैं डेली पढ़ता हूँ कुछ ना कुछ नया, नहीं मिल रहा कुछ तो और कुछ पढ़ने बैठ जाओ यार, कुछ तो सीखो नया लाइफ में डेली। आपने आपके समय तो इतना पढ़ने का सिलेबस है यार, आपको लगता है सब आता है आपको, और आप लिखना छोड़ देते हैं। या फिर वो स्थिति आती है, लिखें कैसे, पहला शब्द ही बन रहा मेरे से तो।
दोस्तों दोनों स्थिति बहुत खतरनाक है अपने, आपको लगता है सब कुछ आता है तो लेज़ी हो जाएंगे, क्यों लिखें कैसे लिखें नहीं आता तो आप लेज़ी हो जाएंगे, एक दिन कोशिश करेंगे नहीं लिख पाएंगे, हटाओ गिव अप कर देंगे आप, वो मत करना यार। तो सिलेबस की पहली सीख जो मेरे लिए है वो है, सिलेबस को उठाओ, सोचो बैठ के दिमाग में, 10 मिनट बांक बंद करो यार, टॉपिक में क्या क्या आएगा, उठाओ लैंड रिफॉर्म में क्या क्या आएगा यार, क्या क्या पढ़ना होगा लैंड रिफॉर्म में। ओके लैंड रिफॉर्म मतलब मुझे नहीं मालूम क्या होता है लैंड रिफॉर्म, लेकिन हाँ लैंड रिफॉर्म अगर इकोनॉमी पढ़ लेंगे आप तो लैंड रिफॉर्म मतलब ठीक है यार, लैंड रिफॉर्म में हमको डेटा चाहिए, लैंड रिफॉर्म में हमारे यहाँ पर किसानों की समस्याएं बहुत हैं, छोटी हेक्टेयर है हमारे पास किसानों के पास, उसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो लैंड रिफॉर्म पे 10 मुद्दे आपको सामने आ जाएंगे। आपको याद रखिएगा सिलेबस को डिकोड करते समय आपको उसकी फ्रेमिंग करनी है, हर टॉपिक की फ्रेमिंग कि मुझे क्या आना चाहिए इसके अंदर, क्या नॉलेज मांग रहा है UPSC इसकी, ये काम होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो पहला एक काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए लिखने की आज से, जितना आप लिखते जाएंगे आपको विश्वास मानिए कॉन्फिडेंस उतना होता जाएगा। मैं आपको कई एग्जांपल गिनाऊंगा अपने आसपास, मैं बच्चों को देखता हूं, बच्चे मेहनत करते हैं, कुछ हो जाए यार उनको डेली 5 क्वेश्चन लिखना ही लिखना है, वॉट एवर दुनिया जहां पलटती है पलट जाए, भूकंप आपदा कुछ आ जाए, कोरोना सुनामी फैल जाए, उनको डर नहीं है, उनको लिखना है 5 आंसर लिखना है, कोई नहीं बदल सकता इस बात को। 2014 में एक स्टूडेंट आए थे मेरे पास, मुझे आज भी याद है, इलाहाबाद से थे वो, आए थे यहाँ पर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास आउट थे, उनको लिखना नहीं आता था, उनके फादर मेरे पास आए थे, 2014 की बात है, अगस्त का टाइम था, अगस्त में महीना एडमिशन था, आए उनके फादर उनके साथ आए बच्चे के, उन्होंने कहा सर इसको कुछ सिखाइए, आपका नाम सुना है कि किसी ने रिकमेंड किया है आपका नाम, इसको रखिए अपने पास और सिखाइए कुछ इसको, फीस भी सबमिट की उन्होंने की और वो बच्चा पढ़ने आने लगा, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, पीछे आके बैठता था आराम से, आया क्लास के बाद चला गया, 2-4 दिन मैं उसका एटीट्यूड देख रहा था, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं क्लास में क्या चलता है, पिताजी पटक गए हैं यहाँ पर तो टाइम पास करना है मुझे, बनना IAS कुछ है नहीं, आएंगे 2-4 साल निकालेंगे यहाँ पर, कुछ छोटी जॉब पकड़ लेंगे वन एग्जाम टाइप की, फिर निकल लेंगे यहाँ से, ये उसकी सोच बहुत सिंपल सोच थी, मैं उसको बदल भी नहीं सकता था, लेकिन मैंने कहा काम करो छोड़ो सब छोड़ो, बस इतना कर लिया करो मेरे लिए, क्लास में जो 5 क्वेश्चन तुमको देता हूँ मैं उसको लिख लिया करो, बस कुछ मत करो मेरे लिए, या मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ बस 1 घंटा निकाल लिया करो, तुम कुछ करना ही नहीं करना तुम्हारे ऊपर है, पढ़ना ना पढ़ना सब छोड़ दो, मैं नहीं कहूँगा पढ़ने को, बस मैं तुमको जो NCERT पढ़ा रहा हूँ इस समय या जो बुक करा रहा हूँ इसके 4 क्वेश्चन देता हूँ पढ़ाने के बाद तुमको मैं, तुम वो कर लेना बाकी सब छोड़ दो। मुझे उम्मीद नहीं थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे भी उससे नहीं थी, लेकिन बंदे ने 6-7 महीने अगस्त से लेकर मुझे याद है मार्च में जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहा था मैं उस समय, तब वो बच्चा रम चुका था क्लास के अंदर, नॉलेज गेन कर रहा था और उसकी राइटिंग स्किल में अपनी क्लास में बेस्ट मानता था, उसने ऐसे नहीं कुछ बहुत ज़्यादा जादू चमत्कार किए, 7 महीने की लगातार लेखन के चलते क्या हुआ उसकी स्किल अच्छी रही होगी, दो राय नहीं है, जब वो आया हुआ लेखन उसको थोड़ा आता होगा, लेकिन उसको नॉलेज मिलती गई समय के साथ उसकी स्किल अच्छी होती गई, उस साल अटेंड में तो नहीं हुआ उसका, लेकिन नेक्स्ट ईयर अटेंड में उसकी 212वीं रैंक थी। वो बच्चा जो मान के चलता वनडे एग्जाम निकालूंगा मैं तो ऐसी है ठीक है बस मस्ती मजाक करो यहाँ पर, क्योंकि उसने एक काम बहुत अच्छा किया, अनुशासन में रहा और लिखा डेली उसने, ठीक है सर आप कहते हैं पापा को बोलिएगा मैं क्या करता हूँ बस मैं लिख दूंगा आंसर आपके, तो ये जो एटीट्यूड था ना लिखने का, ये मैंने देखा बदलाव कैसे लाता है, पहला अटेंड में नहीं हुआ उस बच्चे का मैं जानता हूँ, सेकंड में हो गया, IPS है आजकल, IPS है महाराष्ट्र में वो लड़का, तो ये एक बदलाव मैंने देखा बच्चों में कि आप लिखते हैं डेली तो क्या बदलाव आ सकता है, तो इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ लिखने के ऊपर यार। अब हो सकता है कि मैं आपकी क्लास में डेली ना आऊँगा, आपको डेली क्वेश्चन ना दे पाऊँ, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है, ऑफलाइन माहौल होता था डेली आपको क्लास हम क्वेश्चन देते थे, अब शायद उस समय भीड़ तंत्र भी कम होता था, हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब बच्चे भी कहते हैं सर लिख लेंगे हम ऑनलाइन, बहुत सारे सोर्स हैं हमारे पास ऑनलाइन, बहुत क्वेश्चन मिलते हैं हमको लिख लेंगे, लिखो लिखो यार, जितना आप लिखोगे उतना सिलेबस को ज़्यादा अच्छा डिकोड कर पाओगे, क्या मांग रहा है सिलेबस की मांग, तो प्रयास करो, पहला वादा करो कि ये लिखना है मुझे आज से, आज तारीख है 14 अगस्त 15 अगस्त, मैं कल से आज से लिखना चालू करूँगी आज से लिखना मैं, वॉट एवर नहीं बनता टाइम लगता है लगने दो यार, लगने दो, नींव जितनी गहरी करोगे समय लगाओगे उतनी बिल्डिंग मजबूत बनेगी याद रखना, और बेसिक राइटिंग स्किल आपकी नींव है, क्योंकि आप और UPSC बीच में एक ही चीज़ है वो जो सामने आमने है और वो है आपकी कॉपी, प्री के मास्टर बन जाओगे, प्री निकालना बहुत बार सीख जाओगे लेकिन मेंस कभी निकलेगा, फिर बहुत बच्चे होते हैं 6-6 बार मेंस देखते हैं मेंस कभी नहीं निकलता, बहुत कहानियाँ मेरे पास हैं कि 6 बार 4 बार मेंस देखा मेंस कभी नहीं निकला, कारण PT मास्टर बन के रह गए, याद सब कुछ है फैक्ट दिमाग में सब कुछ है, लिखना कैसे है कॉपी में आता ही नहीं है कुछ, फैक्ट इतने ज़्यादा हो गए कि समझ नहीं आता क्या छोड़ें क्या लिखें, तो याद रखिए सिलेबस को डिकोड करने के पहले
वो ज़रूरी है राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना। जितना कलम चलेगी दोस्त उतने थॉट यहाँ स्पष्ट होंगे, जितना अच्छा कलम चलेगी उतनी यहाँ प्रक्रिया साफ होती जाएगी। या आप सोचते हैं कि यहाँ सब कुछ भर जाए फिर लिखना चालू करेंगे, तो भरते जाएंगे लिखना तब भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हाथ नहीं चलना चाहता आपका। तो कोशिश करो हाथ चले, उसके लिए क्या करना होगा, आज से लिखना होगा। ये जो जंजीर है ना, ये कभी आई डोंट नो फिल्म देखी क्या नहीं देखी है आपने, अभी फिल्म आई लाल सिंह चड्ढा या उसका पहले जो इंग्लिश वर्जन था फॉरेस्ट गम, मैंने फॉरेस्ट गम देखी, अभी लाल सिंह चड्ढा तो नहीं देखी मैंने, फॉरेस्ट गम मतलब वो एक फिल्म थी जो अपने आप में आज रिलेवेंट कर सकता हूँ उससे ना। वो बच्चा चलता रहता है, उसके पाँव में फॉल्ट होता है, दिव्यांग होता है, वो चलता रहता है, दौड़ता रहता है, और एक बार वो जकड़न टूट जाती है उसकी, वही बात यहाँ बलागू होती है। लिखते रहो यार, हो सकता है एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा हाँ मैं लिखना सीख गया, ये सीख गई। आपको उतना कठोर तब तो करना पड़ेगा, लेकिन वो लिखना चालू करना पड़ेगा। वो दिन कभी नहीं आया कि हाँ आपको आज बौद्धत्व प्राप्त हो गया, आपको बैठना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी 40-50 दिन की, तब आप कहेंगे हाँ मुझे कैवल्य या मुझे बौद्धत्व प्राप्त हो गया। लेकिन वो तपस्या तो करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए लिखना पड़ेगा। प्लीज़ लिखा करो यार, लिखने का कोई विकल्प नहीं है। कोई कुछ कहता रहे टॉपर कि मैंने पहली बार एग्ज़ाम में जाके लिखा, कोई कुछ कहता रहे, याद रखने का अपनी क्षमताओं को पहचानो आप, और आपको लिखना ज़रूरी है। टॉपर का सिलेक्शन हो चुका है, वो जो कहेगा सच माना जाएगा, ऐसा नहीं है। टॉपर अपनी बात कहते हैं, वो तो कहते हैं मैं अभी फरवरी में तैयारी करना शुरू किया, मेरा एग्ज़ाम में निकल गया मई में आकर, लेकिन ये बताते नहीं है कभी उनके पीछे उनकी स्कूलिंग कैसी थी, उनके परिवार का बैकग्राउंड कैसा था, उनकी बचपन से पढ़ाई कैसी रही, उनकी परवरिश कैसे हुई। सबकी परवरिश अलग तरीके से होती है, हर बच्चा अलग प्रकार का होता है। जब हर बच्चा अलग प्रकार का है तो हर बच्चे की रणनीति भी अलग होगी, लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है, वो है UPSC कॉपी। ज्ञान के स्तर पर जो उसने प्री क्वालिफाई कर लिया, सबका ज्ञान एक सा है। किसी के 95 मार्क्स में क्वालिफाई किया, किसी ने 120 मार्क्स में क्वालिफाई किया, सबके पास नॉलेज लगभग समान है। सामान्य अध्ययन है उतनी ही नॉलेज चाहिए, लेकिन वहाँ पर अंतर आता है कॉपी लिखने में। तो पहला काम करो दोस्तों, मैं बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, अपने बच्चों से, हमेशा पहली क्लास बोलता हूँ, वर्कशॉप लेता हूँ, कि लिखना चालू कर दो, लिखने का कोई विकल्प नहीं है। आजकल ऑनलाइन माध्यम में इतने क्वेश्चन आपके लिए, आपके पास इतनी क्लासेस हैं, हमारे पास, हम डेली क्लास में क्वेश्चन देते हैं, ऑनलाइन बिखरे पड़े हैं क्वेश्चन आपके पास, नहीं तो NCERT तो है यार, छोड़ो उन क्वेश्चंस को, हटाओ उन वेबसाइट ऑनलाइन को, आपके पास NCERT तो है, उठाओ NCERT, चैप्टर पढ़ो, 6 क्लास का पहला चैप्टर साइंस की, जनरल साइंस की, हिस्ट्री की, उठाओ NCERT, पढ़ो पहला चैप्टर, और लास्ट में जो क्वेश्चन दिए वो लिखना सीखो। मत चेक कराओ कुछ से, कोई आवश्यकता नहीं चेक कराने की, फाड़ के फेंकते जाओ बस, लिखते रहो, क्योंकि ये कलम चलना ज़रूरी है, ये हाथ चलना ज़रूरी है, इसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इसी दिमाग में। तो दिमाग में फॉर्मेट बन रहा है, उसको कलम में लिखना आना चाहिए आपको। ठीक है, मैं हमेशा मानता हूँ बच्चों को ये करना चाहिए, बच्चे करते क्या है, 2-4 तो हाईली मोटिवेट रहेंगे। बता रहा हूँ आपको, मैंने बैच चालू किया 4 जुलाई को, जो क्लास चल रहा है, आज अंत होने वाला है उसका। 4 जुलाई का बैच चालू किया था, 5 जुलाई को मैं लेक्चर दिया था उनको, मैंने कहा था नहीं लिखना चाहिए सबको। 6 जुलाई को मेरे पास लगभग 70-80 कॉपी आंसर चेक होने आए थे, अगले दिन 60 हुए, 40 हुए, 20 हुए, और कल शायद एक भी नहीं था मेरे पास। क्या हुआ, वो 40 दिन में जोश खत्म, सारा जोश खत्म। मैं वही हूँ, क्वेश्चन वही मिल रहे हैं, तैयारी वही चल रही है, क्लास वैसी ही चल रही है, क्या क्या कम हो गया, अनुशासन। अब आप छोटे बच्चे नहीं है कि डेली आपको होमवर्क दूँ और चेक करूँ बैठ के मैं उसको, तैयारी आपकी है, आप एक स्वतंत्र आत्मा बैठे हैं मेरे सामने, मोबाइल आपके हाथ में है, बटन आपके हाथ में, ऑन ऑफ करना आपके हाथ में है, तो ये आपका अनुशासन, आप तो जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। और पहले हमको लगता था, एग्जांपल दूं मैं आपको, पहले मैं एक एक नॉलेज न्यूज़ इकट्ठी करने में बात करूँ 2008-09 की, जब इंटरनेट नहीं था, 3G भी नहीं था, इवन 2G नेट चलता था, बहुत धीमे चलता था, तो उस समय नेट पर पढ़ना मतलब नामुमकिन था, नेट पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी, हमें कोई न्यूज़ कलेक्ट करनी होती थी, पढ़ना होता था, अखबार छानने पड़ते थे, उस पर व्यू कलेक्ट करना पड़ता था, TV रेडियो सुनना पड़ता था, मिल जाए कुछ सुनने के लिए, किसी का ओपिनियन मिल जाए। हम खुद मेहनत करते थे, अपने नोट्स तैयार करते थे, करंट अफेयर्स तैयार करते थे। आज आपके पास सूचना का भंडार है, आज आपके पास करंट अफेयर्स के 50 लेक्चर ऑनलाइन है, आज आपके पास एडिटोरियल एनालिसिस आता है, आपके पास अंग्रेज़ी अखबार कंटेंट हिंदी में या अंग्रेजी का समरी फॉर्म में भी है, कह सकते हैं प्रकार से, कई प्रकार समरी भी आते हैं आपके पास, कंटेंट की कमी नहीं है, बटन क्लिक करो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एक जगह पर आपके पास। नॉलेज बहुत हो गई है, ज्ञान बहुत हो गया है, लेकिन क्या वो अंदर तक पहुंच पा रहा है और पहुंच के वो लिख पा रहे हैं उसको हम लोग, शायद नहीं। हमारे टाइम, या हम लोग 15 साल पहले जाऊं मैं आपको, ज्ञान सीमित था, खुद कलेक्ट करना पड़ता था,
और ख़ुद कलेक्ट करके नोट्स बनाने पड़ते थे अपने। तो दिन भर में पहला काम तो ये होता था कि करंट के नोट्स ऐसे तैयार करें, क्योंकि अखबार तो इकट्ठे होते जाएंगे डेली आपके, तो उसको कॉपी में लाना ज़रूरी है। तो डेली कॉपी के नोट्स बनाओ, फिर आंसर प्रैक्टिस करो उसके ऊपर। आपके लिए कम से कम नोट्स आपके तैयार हैं, आपको कंटेंट की कमी समस्या नहीं है। बटन दबाओ, सारी वेबसाइट पर आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। लेकिन क्या हम उसको पढ़ना चालू कर दिया? हम अनुशासनहीन होते चले गए। हमें लगता था कि यार अब मेहनत केवल आंसर राइटिंग की होगी। हमेशा बोलता था बच्चों को, आपके आपके शहर में आके 5G आने वाला है कुछ दिनों में, आपकी कंटेंट की कमी तो कहीं भी नहीं है। अब कंटेंट तो खूब सा है सारा आपके पास, लेकिन यही समस्या है, कंटेंट ज़्यादा होना एक बड़ी समस्या हो गई। आपको लगता है बस आप तो कंटेंट बटन कभी देख लेंगे क्लास कभी, ये नहीं होता है। लिखिए दोस्त, लिखिए, इसका विकल्प नहीं है। याद रखिए, दीवार पर लिख लीजिए सामने अपनी चिपकाली जहाँ स्टडी टेबल है कि डेली 5 क्वेश्चन लिखने, तब मैं सोऊंगा या सोऊंगी। 5 क्वेश्चन 40 मिनट 50 मिनट मैक्सिमम। 5 क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? NCERT आपके पास है करने के लिए। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिए हैं तो आपके वेबसाइट से बहुत सारी करने के लिए, वो ज़्यादा कर लिए तो यूट्यूब क्लासेस आपके पास है आंसर प्रैक्टिस के लिए। करो यार, आंसर क्वेश्चन की कमी नहीं है मार्केट के अंदर। आप टाइप करो UPSC मेंस क्वेश्चन, एंटर मारो गूगल पर, हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट के लिए। क्या आपने लिखना चालू किया? बात यह है, वहाँ तो बहुत सारा है, गूगल में तो भरा हुआ है, क्या मेरे दिमाग में भरा है वो? तो सिलेबस रिकॉर्ड करने की पहली शर्त है दोस्त, वादा करो कि लिखोगे अपने से। आशीर्वाद से डेली ऐसा लेक्चर नहीं देंगे, या कोई डेली मोटिवेट नहीं कर सकता आपको, और मोटिवेट करने के लिए हम हैं भी नहीं डेली आपको, हम यहाँ पढ़ाने के लिए हैं। मोटिवेट आपको स्वयं रखना है। और मोटिवेट कैसे होते हैं? आपका टारगेट आप सामने होता है, यार मुझे पहुँचना है मसूरी यहाँ पर इस ईयर में। यदि जज्बा है तो आप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ डेली 5। अब हो सकता है कि आप स्लो चलना चाहते हैं, लिखिए 3, लिखिए 2, लिखिए फिर 1 महीने बाद 3 लिखना चालू कीजिए, फिर 1 महीने बाद 4 लिखना चालू कीजिए, फिर 6 महीने बाद 5 लिखना चालू कीजिए। लिखना चालू कीजिए, कलम चलना चलिए यार। मेरे मतलब इतनी फायर होती है मेरे अंदर बच्चों के लिए, लिखो यार डेली, क्यों लिखते हो? मतलब क्या हो जाएगा यार दुनिया में तुम्हारे, 1 घंटे लिख लोगे आंसर तो भूल जाओ। लिखे बिना सिलेक्शन होगा भूल जाओ, कोई टॉपर कह देना आकर उसको मार दूंगा मैं यहाँ पर कि लिखे बिना सिलेक्शन हो गया उसका। 2012-13 नहीं है यार, ये 2022 का ज़माना है। यहाँ पर आप लिखे बिना कंपटीशन में नहीं टिक सकते। आप उन बच्चों को देखो जो लिख रहे हैं, पागलों टाइप लिखते हैं, डेली आंसर भरते हैं, 20-25 डेली भर रहे हैं क्वेश्चन। वो कहाँ हैं आप? आप 20 मिनट लिखने को तैयार नहीं हो, 20-20 क्वेश्चन लिख रहे हैं लोग यहाँ बैठकर। फाइट उनसे है आपकी, वो भी एक समान कॉम्पिटिशन में है। आपका पीटी निकलेगा, उनका पीटी निकलेगा, उनके पास उन्होंने डेली 20 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर चुके हैं और आपने आज तक कुछ नहीं किया, पीटी निकाल के भी सिलेक्शन नहीं होगा। अपवाद हर जगह होते हैं, एक आध अपवाद आप अपवाद नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अपवाद मिल जाएंगे, सर हमने पहली बार लिखा था और हो गया हमारा, तो अपवाद नहीं है आप। अगर आप अपवाद होते तो सामान्य होती बात, फिर याद रखिए सामान्य बात कर रहा हूँ मैं आपसे। डेली प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। मैंने देखा है बच्चों को यार पागलों टाइप देखा है मैंने सिलेक्शन के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 14 अनुभव से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे कोई कि आजकल मैं 1 साल का एक्सपीरियंस को नया टीचर हूँ। मैं 14 साल का अनुभव हो गया मुझे इस फील्ड के अंदर। मैंने 90% से अधिक सफलताएँ वो देखी हैं जो लिखते हैं बच्चे, इसलिए जनरल बोल रहा हूँ। मैं इसको प्रिंसिपल बना लेता हूँ लिखने का कि लिखना ज़रूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता। आप तैयारी किस स्तर पर वो आप डिसाइड करिए। आपको NCERT के आंसर लिखने हैं, आपको क्लास में दिए गए आंसर लिखने हैं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन लिखने हैं, आपको टेस्ट सीरीज लिखनी है, या आपको ऑनलाइन क्वेश्चन आ रहे हैं वो लिखना है, वो आप तय कीजिए। वो अपने तैयारी का स्तर देख के आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखिए ज़रूर। सॉरी यार माफ़ चाहूँगा, थोड़ा एग्रेसिव हो गया, लेकिन मैं होता क्या ना यार, मैं थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कि आप अपना समय ख़राब कर रहे हो यार। आप माँ के पैसे ख़राब कर रहे हो, अपना यूथ ख़राब कर रहे हो, अपनी एनर्जी ख़राब कर रहे हो, और फिर आप कहते हो तैयारी कर रहे हो UPSC की। 90% से ज़्यादा बच्चे जो चैट में आते हैं या जो कमेंट बॉक्स में आते हैं या यूट्यूब देखने आते हैं, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमको धोखा है, आप तैयारी कर रहे हैं अपने आप से। वो धोखा देते हैं अपने आप को, तैयारी कर रहे हैं। कल एक क्लास की बात है यार, क्लास में एक बच्चा मेरे पास आया, क्लास सुन रहा है बढ़िया से, वो क्लास सुन रहा है, समझ रहा है। उसके बाद वो कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा होगा, वो आया, सर ये यूट्यूब में मैडम ये कह रही हैं। यार गलती क्या है? आप जिससे पढ़ रहे हो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि शायद ऐसा माहौल भी ख़राब हो गया, ट्रस्ट करना बंद कर दिया लोगों ने चीज़ों के ऊपर। तो इम्पॉर्टेंट बात यही है दोस्त कि आप जहाँ अगर आप ध्यान लगा रहे हो उस पर पूरा करो ट्रस्ट, मुझ पर मत नहीं कर रहे हो, किसी और पर कर रहे हो करो, लेकिन दिमाग तो अपना लगाओगे वहाँ पर आप।
क्रॉस चेक नहीं करोगे, अपना खुद पढ़ लोगे, ठीक है यार। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे पढ़ें यार, लिखो आप बैठ के चीज़ों को। आप लिखने के अलावा सारे काम करते हो कि शॉर्टकट मिल जाए, कुछ फॉर्मेट मिल जाए, सर आप बता दीजिए क्वेश्चन। यार आश्रय साहब बताएंगे तभी क्वेश्चन होंगे क्या आपके पास? एनसीईआरटी आपके हाथ में है ना यार, जहाँ चाह वहाँ राह होती है। आपको लिखना है तो कोई लिखने से नहीं रोक सकता फिर आपको। लेकिन हम मानते हैं तैयारी यूपीएससी की मजाक है, एक आध क्लास जाके कर लो आराम से, दिन भर में सो आराम से, दर तान के फिर उठेंगे, फिर देखेंगे क्लास देख लेंगे। ये एटीट्यूड होना कि हाँ हाथ में क्लास है, यूट्यूब के अंदर रिकॉर्डेड क्लास है या मेरी ऐप पर क्लास है, मैं कहीं भी कभी भी देख सकती हूँ, एनी टाइम एनी वेयर, जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट है ये उनके लिए अच्छा है जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब में हैं, जिनके पास मुश्किल है समय की, नौकरी के साथ जो कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा एनी टाइम एनी वेयर कॉन्सेप्ट। यार आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, स्टूडेंट लाइफ का मतलब होता है कि अनुशासन, कि यार मेरा क्लास शाम को 6 से 9 है, मुझे बैठना है टेबल पर, सामने क्लास देखनी है, दैट्स इट। ये सोच के रखना कि यूट्यूब पर क्लास आ गई है मैं बाद में देख लूँगी, ये स्टूडेंट नहीं होते यार। होते बहुत हज़ारों काम होंगे आपको घर में, बहुत ज़रूरी काम होंगे घर के अंदर, लेकिन क्लास अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते थे ना, अनुशासन वो होता था, इसे अनुशासन ज़रूरी है। आपको मान लो स्कूल टाइम था तो वॉट एवर, घर में कोई समस्या, स्कूल जाना है तो जाना है आपको वहाँ पर, जिससे आप उस चीज़ से कट जाएं घर की चीज़ से। ऐसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो यार, हटाओ बाकी चीज़ों को, पापा क्या कह रहे हैं, मम्मी कह रही है, घर में काम है, ये है, कुछ नहीं यार, हटाओ इस जीवन को, पढ़ना है आपको, पढ़ाई करो पहले तो। यहाँ पर एनी टाइम एनी वेयर क्लास का मतलब ये नहीं होता कि आपका जब मन आएगा तब क्लास करेंगे या नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि अनुशासन जीवन का ना, आपका पहली लाइन क्या बोली थी मैंने आज, जीवन में अनुशासन, जीवन में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना पढ़ते हैं मैटर नहीं करता, कैसे पढ़ते हैं यही मैटर करता है। आपने अनुशासन को कितना अपनाया ज़िंदगी के अंदर, ये मैटर करता है। इवन इस एज में मैं हूँ यार, मैं डेली कम से कम कुछ भी हो जाए मुझे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके पीपीटी तैयार करने हैं, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़नी है, दुनिया इधर से उधर हो जाए यार। मुझे लगता है कि आज नहीं कर पाया, मान लो किसी बहुत ज़रूरी काम में फंस गया, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, बुखार आ गया, कोरोना आ गया, कोई बात नहीं, कल मुझे 2 घंटे निकालने ही पड़ेंगे इस काम के लिए, मैं नहीं कर सकता डिले यहाँ पर। बच्चे जानते हैं मुझे पर्सनली, बच्चे घर पर आते हैं कई बार, मैं हमेशा बोलता हूँ देखते हैं यार कि कर रहे हैं हम लोग। और मैंने ये सीखा लाइफ से कि आपको डेली करना है, इसमें कोई छूट नहीं है। आदमी ख़त्म होता जाता है। आपको एग्जाम्पल दूंगा छोटा सा, मैं यहाँ पर आपको ज़िंदगी अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों, उसको सुन लीजिए। एक छोटा अनुभव बता रहा हूँ ज़िंदगी का आपको मैं। आज से कुछ साल पहले जब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा था, मेरे पास कई विकल्प थे कि मैं अपने ऑप्शन करा सकता हूँ पढ़ाते समय, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, हम दो ऑप्शन पढ़ते हैं दोनों, कि मैं ऑप्शन पढ़ा सकता हूँ आपको यहाँ पर। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अपना सॉफ्टवेयर कंपनी जाकर जॉब करूँ दोबारा फिर से जहाँ से मैं आया हूँ, या फैक्ट्री संभालूँ अपनी। कई लोगों ने कहा कि आशीर्वाद सर आप केवल अपना ज्योग्राफी में आगे बढ़िए, आपका ज्योग्राफी काफ़ी अच्छा है, आपका पॉल साइंस काफ़ी अच्छा है, उसमें आगे बढ़िए आप। मुझे लगा नहीं यार, मुझे अगर मैं उसमें उलझ के रह गया तो एक ही टॉपिक्स होगा मेरे पास। मैंने अपने आसपास ज्योग्राफी के टीचर को देखा है, पॉल साइंस के टीचर को देखा, वो समय के साथ ख़त्म होते चले गए। एक समय उनका नाम हुआ करता था मार्केट में, ख़त्म हो गए। कारण क्या है, आप जैसे स्टैटिक नॉलेज पे आ जाते हैं ना, आप पढ़ना बंद कर देते हैं, और जब पढ़ना बंद कर देते हैं तो आपका ज्ञान 4-5 साल तो काम आता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। मुझे मैंने माना कि यार यूपीएससी से जुड़ा रहना है मुझे, तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा जो डेली हो, डेली मैं पढ़ूँ उसको, डेली मैं अपडेट रहूँ अपने आप को। जैसे मैंने स्टूडेंट जीवन में अच्छा किया है, वैसे मैं यहाँ भी अच्छा करूँ, तो उसके लिए अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। एक बार नॉलेज इकट्ठा करके उसको 20 साल तक बांटता रहूँ उस नॉलेज को, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं हूँ ही नहीं ऐसे एटीट्यूड का। मैंने कहा नहीं यार, मैं पढ़ाऊँगा ऐसी कुछ चीज़ जहाँ डेली मुझे चैलेंज मिले, डेली मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़े, डेली मज़ा आए कुछ करने में, डेली कुछ नया मिले। क्योंकि मैंने अपने पढ़ाई के जीवन काल में सीखा है, मैं किताब को दोबारा पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती थी। एक बार पढ़ ली किताब मैंने, वो क्या पढ़ लिया, हटाओ या दूसरी किताब लेकर आएंगे। ये गलती थी मेरी लाइफ में, शायद वो इसका रिग्रेट रहेगा लाइफ में मुझे, कि उस समय कोई बताने वाला नहीं था ये चीज़ मुझे। मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन पढ़ा तो ज्योग्राफी की किताब पढ़ी एक बार, स्टॉलर पढ़ लिया स्टॉलर को, अब दोबारा नहीं पढ़ा कभी मैंने उसको, निशान लगाया पर दोबारा नहीं पढ़ा। तो रिवीजन जो होता है ना, हम कहते हैं ना एक बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ना, ये अपनी गलती से मैंने सीखा, कोई बताने वाला नहीं था उस समय मुझे वहाँ पर, कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही करना चाहिए आपको। तो हुआ क्या, मुझे आदत थी डेली कोई नया पढ़ो यार, डेली नया पढ़ो, डेली नई बुक पढ़ो, एक बुक को दोबारा पढ़ने का मन ही नहीं होता था कभी। और
मैं अपने साथियों को देखा जो अच्छा कर रहे थे उस समय, अच्छा उन्होंने बाद में किया काफ़ी, एक ही चीज़ जो अंतर थी मैं बाद में रिलाइज़ किया इस बात को, मैं स्टूडेंट हमेशा कहता हूँ अब वो समय नहीं है कि अब एक चीज़ को यार हर 10-20 सोर्स से पढ़ें आप। इसी समय पढ़ाने करियर में आया तो मैंने कहा नहीं वो आदत तो मेरी जाएगी नहीं पढ़ने का, मुझे आदत वो ये 20 सोर्स से, तो डेली नया पढ़ा जाए। और डेली कब नया पढ़ोगे आप, जब कुछ ऐसा पढ़ाओगे जो डेली पढ़ना पड़ता हो, डेली नया आता हो, वो एक चीज़ होती है करंट अफेयर्स। तो जब 15 साल पहले मैंने पढ़ाना करियर शुरू किया 14 साल पहले, तो मुझे लगा यार मुझे ऐसी चीज़ पढ़ानी चाहिए जो मेरे एटीट्यूड से मैच करती है, वो है डेली पढ़ने की आदत मेरी, नया पढ़ने की आदत मेरी, नया सीखने की आदत मेरी। तो मैंने कहा वो चीज़ पढ़ाएंगे फिर। तो जब मैं करंट अफेयर पढ़ाना चालू किया, लोगों ने ऐसा करंट अफेयर्स कोई नहीं पढ़ाता, करंट अफेयर्स तो मैगजीन से पढ़ लेते हैं, बुक से पढ़ लेते हैं। मैंने कहा गलती यही है कि हम बुक से पढ़ लेते हैं, बुक इकट्ठी करते जाते हैं, पढ़ते कभी नहीं है। आज आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का रोल कितना बढ़ गया अपने आप में। तो ये चैलेंज था मेरे लिए, वही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अनुशासन बच्चों से। हमें लगता है हम कर लेंगे, और जैसे ही आप कहते हैं हम कर लेंगे, आपके अंदर घिसावट आना चालू हो जाती है, आपके आपके जो टारगेट्स हैं वो घिसने चालू हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा प्रयास करें कि डेली पढ़ें, डेली करना है। मत सोचिए क्या मजबूरी है क्या है, डेली करिए चीज़ को। वो गलती मत की जो मैंने की अपने लाइफ में, वो गलती है कि आप एक बुक को एक बार पढ़ते हैं, दोबारा बींग इंजीनियर मेरी कभी आती नहीं थी उसको दोबारा पढ़ने की बुक्स को, एक बार पढ़ लिया हो गया चलो हटाओ दोबारा देखेंगे दूसरी बुक देखेंगे। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से, अपने सीख से अपनी गलती से, और बच्चों को देखा मैंने बाकी लोगों को, कि एक बुक को बार बार पढ़ना चाहिए। UPSC है वो उतना स्टडी मांगता है चीज़ों का, सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा आपका कि ऊपर शैलो नॉलेज हो गया काम हो गया। आपको 2-3 बार पढ़ें तभी वो अंदर तक जाएगा, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है तब बना पाएंगे आप। ठीक है, तो कोशिश कीजिए दोस्त आप, पहली बात तो यहाँ पर कि मल्टीपल रिवीजन करना है आपको, तो एक बुक को कई बार पढ़िए, मल्टीपल बुक्स को एक बार मत पढ़िए, एक बुक को कई बार पढ़िए। मैं अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ इस बात को, छात्रों को अनुभव से बता रहा हूँ, कोई विकल्प नहीं है इसका। दूसरी बात, अनुशासन बनाइए लाइफ के अंदर, विदाउट डिसिप्लिन आप नहीं कर पाएंगे कुछ। हाँ, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको भी डिसिप्लिन चाहिए, वो तो उनको भी चाहिए, ऐसा नहीं कि एनीवेयर एनी टाइम क्लास का मतलब कहीं भी कर रहे हैं क्लास को, एक अनुशासन हो कम से कम। वीकेंड पर टाइम मिलता है, आंसर प्रैक्टिस आपको भी करनी है। चलिए दोस्तों, टॉपिक के बाहर चला गया, एक्चुअली में बताना था सिलेबस आपको डिकोड करना था मुझे आपके साथ, टॉपिक के बाहर चली गई चर्चा हमारी। कई बार ये होता है मछलियाँ, कई बार टॉपिक छिड़ता नहीं हूँ आमतौर पर इस प्रकार टॉपिक्स को, क्योंकि कई बार गुस्सा दिलाते हैं अंदर से मुझे। मैं बच्चों को देखता हूँ, हज़ारों बच्चे डेली पढ़ते हैं यार मुझसे, और बच्चों में अनुशासन नहीं है, और जिनमें हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आज 3 साल पहले लगभग 15 जुलाई 2019 की बात है, जब मैं ऑनलाइन माध्यम में आया था, ऑनलाइन पढ़ना चालू किया था मैंने, तब मैं था कि यार ऑनलाइन मीडियम सेलेक्ट में करा के रहूँगा, बच्चों को यहाँ पर डिसिप्लिन में ला के रहूँगा। बहुत डांटता हूँ बच्चों को, शायद ही यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर आप चले जाइए ऐसा वो टीचर मिलेगा, इतना डांटता हूँ बच्चों को अपने, क्योंकि वो गुस्सा है मेरे अंदर कि नहीं पढ़ रहे हो यार तुम, अपना समय ख़राब कर रहे हो। 1 घंटे का नेट ख़राब हुआ तो कोई बात नहीं, वो दोबारा आ जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा। 1 घंटा जो आपने ख़राब किया ना समय अपना, आप कुछ और अच्छा कर सकते थे। फिर यहाँ पर आके बैठे हो, बकवास कर रहे हो, चैट बॉक्स में मजाक चल रहा है, क्या टाइम पास करने आए हो क्या यार? टाइम पास करना है, जाओ देखो बड़े गाने, कपिल शर्मा का शो देखो, अच्छा लगेगा देखने में, टाइम पास होगा, कुछ सीखोगे इंटरटेनमेंट के नाम पर। क्लास में आके बोरिंग टाइप का बैठ जाना, हाँ कुछ सुन रहे हैं बस टाइप का, नहीं बनेगी बात। ठीक है, तो ज़रूरी क्या है दोस्त, वो फायर रखो अपने अंदर यार। मुझे पढ़ाते समय फायर फील होती है अपने अंदर कि हाँ मुझे पढ़ाना है यार, मुझे कराना है आपको ये चीज़। आप नहीं पढ़ते तो मुझे अंदर से गुस्सा आता है, क्यों नहीं कर रहे हो यार, क्यों बदतमीजी कर रहे हो क्लास के अंदर। ऑनलाइन माध्यम में डांट देता हूँ मैं, ऑफलाइन में डांटता हूँ मैं तो कई बार बच्चों को यार, बैठे हैं क्लास के अंदर बस नोट्स बना रहे, कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, कोई पूछना ही नहीं है चीज़ों को। यार फीस भरी है यार फादर ने, तुम्हारे मदर ने, यानी कैसे सपने पाल रखे उन्होंने, और तुम्हें से पढ़ना ही नहीं है, बस नीरस होकर बैठे हो। कई बार समझ आता है चलो टॉपिक ऐसा बोरिंग टाइप का है, नींद आएगी, चलो कोई बात नहीं। तो आमतौर पर स्टूडेंट ने वो सब्जेक्ट पढ़ना चालू किए GS में जहाँ बोरिंग ना हो, चीज़ें थोड़ा सा मज़ा आए पढ़ने में। साइंस टेक हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, आप वाइब्रेंट रहते हैं इसके अंदर। ये ट्रेडिशनल बुक्स नहीं है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी की तरह बस पढ़ाओ निकल गया। मैंने वो टॉपिक लिए अपने लिए जो वाइब्रेंट थे, जहाँ मज़ा आता, जहाँ कंटेंट नहीं मिलता। कई बार बुक्स नहीं मिलती आपको अच्छी, साइंस टेक की, एनवायरनमेंट की और इकोनॉमी की बुक कहूँगा नहीं मिलेंगी अच्छी, और मिलेंगी उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जहाँ से मैं पढ़ाऊँगा या करंट अफेयर्स से पढ़ाएंगे। तो बड़ा मज़ा आता है उनको पढ़ाने में, डेली चैलेंज फील करता हूँ कि नहीं यार आज क्या पढ़ाना है अच्छा, किस में से क्वेश्चन आ जाए।
ये मैं उम्मीद करता हूँ छात्रों से अपने कि फायर रखो अपने अंदर यार, पढ़ना है आज, आज कुछ सीखना है नया हमको यहाँ पर। सिर्फ वो ट्रेडिशनल बुक्स में पढ़ के चले लक्ष्मीकांत के वो क्वेश्चन करके आ गए, वो नॉलेज भी चाहिए, उसके बिना कोई मतलब नहीं मेरी द्वारा दिए गए ज्ञान का, लेकिन उसके साथ उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उस डायनेमिक्स को फील करना बहुत ज़रूरी है, उस फायर को बना के रखो अपने अंदर यार, मुझे सिलेक्शन लेना है, क्वेश्चन लिखना है, सिलेबस ये कोई सिलेबस बड़ी बात नहीं है, इसको करना यार, लगता है सिलेबस ये बैठोगे बता रहा हूँ यार, अब नॉलेज इकट्ठी हो जाएगी ना, तो ये सिलेबस आपको लगे यार पाँच दो दिन का काम है, पूरा काम ही तैयार हो गया मेरा, तो ये दो दिन भी लगेंगे आपको ये। जब मैं कहता हूँ यार मुझे 40 घंटे 50 घंटे चाहिए पढ़ाने के लिए इसको, तो रिवाइज़ करने में कितना समय चाहिए फिर आपको इसको, बामुश्किल 10 घंटे तैयार हो जाएगा टॉपिक आपका, माफ़ कीजिएगा। प्लेटफॉर्म पर राजू सर चालू करेंगे इकोनॉमी दोस्त आपका, आप पूछ रहे हैं मुझसे इकोनॉमी कब चालू होगा, तो राजू सर स्टार्ट कर रहे हैं आपका ट्यूसडे से, 16 तारीख से इकोनॉमी चालू हो रहा है यहाँ पर। तो यार थोड़ा सा मैं समझाने बात कर रहा था आपसे, सिलेबस का डिकोड करना था मुझे, देखिए बातों में समय निकल गया, होता यही है, इसलिए मैं छेड़ता नहीं उन टॉपिक्स को, मालूम ही होता क्या ना, कभी इमोशनल हो जाते हैं बोलते बोलते इस पर, कि यार गुस्सा दिखता है यहाँ पर कि बच्चों आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो यार, आखिर क्या कारण है मेहनत नहीं करोगे, आपको लगता है टफ़ है चीज़ें, तो जिसने जो टॉपर रहा है उसने पहले दिन शुरुआत की हो कहीं ना कहीं से ना, उसको भी टफ लगा होगा, लेकिन उसने लगातार मेहनत छोड़ी नहीं, नेवर गिव अप का जो प्रिंसिपल है हमारा वो लाइफ का पार्ट है अपने आप में, छोड़ना नहीं है यार, छोड़ने की तो बात ही नहीं है कि कठिन लग रहा है छोड़ दो, आराम आ रहा है, मौसम ठंडा हो गया चलो चाय पी के सो जाते हैं, अच्छा चलो आज पार्टी है कल कर लेंगे, ये जो एटीट्यूड है ना इसको त्याग दो बस यार। शायद कहना मेरे लिए बहुत आसान है, आपके लिए करना मुश्किल होता है, 100 में से 1 या 2 बच्चे कर पाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, फिर आप लोगों को धोखा दे देते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप सोचते हो कल कर लेंगे, अच्छा बाद में कर लेंगे, अच्छा सर बाद में एक काम आ गया ज़रूरी आज, कई बच्चे चैट बॉक्स में लिखते हैं क्लास चलो सर गुड नाइट, मैं भड़क जाता हूँ उसको देख कर यार, क्या बेवकूफ़ हो यार, क्लास में आए क्यों थे फिर अगर नहीं करनी क्लास, तो कई बार वो गुस्सा निकलता है उस फॉर्म में, मैं जानता हूँ यार यूथ है आपका, इस समय नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे आप लोग यार, सबसे आसान काम है लाइफ का किताब है, पढ़ो सेलेक्ट हो जाओ, इससे आसान काम दुनिया में क्या हो सकता है यार, कोई फिजिकल वर्क नहीं करवा रहा आपसे, कोई पत्थर नहीं तोड़ने को कह रहा, मैं आपको किसी गंदे नाले में जाकर सफाई करने को नहीं कह रहा हूँ, कोई आपसे मैं नहीं कह रहा हूँ दिन में धूप में खड़े हो जाओ, सिंपल सा काम है यार, किताब है क्लास चल रही है पढ़ो आंसर लिखो सेलेक्ट हो जाओ यार, कंपटीशन तो हर जगह है लाइफ में, मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, फैक्ट्री मुझे मालूम कंपटीशन सामना करना पड़ता है, डेली टेंशन होती है वहाँ पर, मन करता है क्यों चलाओ बंद करो फैक्ट्री, कुछ और काम करते हैं, ठीक है यार, लेकिन मज़ा इसी में है, चैलेंज आता है डेली कुछ, तभी तो मन करता है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का। ठीक है, ठीक है दोस्त, यार सिलेबस अपडेट करना था मुझे आपके साथ, सिलेबस आना था मुझे आपको यहाँ पर, चलो कोई नहीं, एक क्लास हो लेना पड़ेगा मुझे लगता है आपका सिलेबस के लिए, अभी तो नहीं हो पाएगा दोस्त क्योंकि समय अभाव है मेरे पास, एक्चुअली क्योंकि समय बड़ा मुश्किल होता है, मैं दिन में 25-26 घंटे हो ज़्यादा काम कर पाएँ मज़ा है लाइफ में, कई बार समय की बाध्यता होती है, बट लेकिन कल से मैं रहूँगा आपके लिए ज़्यादा समय यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा ऐसे मेरा ऑफलाइन बैच चल रहा था ख़त्म हो रहा है, तो एक आध महीने का लैक्स रहेगा मेरे पास काफ़ी, अभी 15 लगभग 20-25 दिन कोई बैच नहीं है मेरा, और पर्सनल टाइम निकाला है मैंने अपने लिए, तो अच्छी बात रहेगी आप लोगों के लिए, टाइम दे पाऊंगा मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर, तैयार रहिए को कुछ हम लोग, मानता हूँ कि मैंने कुछ रोज़ वादा किया था जब सिलेबस रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन चूंकि आप देख ही रहे हैं बातों में निकल गया समय, कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ मैं आपसे यहाँ पर, लेकिन पॉइंट बात है आपकी काम की चीज़ें दोस्त, बाकी याद रखिएगा जो बच्चे करंट अफेयर्स करना चाहें, करंट अफेयर्स बैच 17 से लॉन्च हो रहा है दोस्तों आपका, 17 अगस्त से लॉन्च कर रहा हूँ मैं, शाम 8 बजे अड्डा के प्लेटफॉर्म पर जाइए, उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं दोस्तों आप लोग, चैट बॉक्स में इसका लिंक लगा मिल जाएगा आपको यहाँ पर, फीस है जस्ट 5,500 रुपीज़, इसके लिए यूज़ करना होगा कोड मेरा Y605, आपको
करा लीजिए रजिस्ट्रेशन दोस्तों, क्योंकि मंडे से आप ट्यूजडे 17 तारीख से हम लोग शाम 8 बजे मिलेंगे करंट अफेयर्स क्लास में आपकी, ठीक है। इसके वीकली नोट्स मिलते रहेंगे। बाकी दोस्तों जीएस लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, हमारी टीम लॉन्च कर रही है जीएस 19 अगस्त से आपके लिए, 19 अगस्त शाम में 6 बजे। ये प्री कम मेंस का पूरा बैच होगा दोस्तों, जीएस और सी सेट दोनों करेंगे इसमें हम लोग। यहाँ पर कंप्लीट बैच होगा दोस्तों इसका, लगभग पर डे 3 घंटे क्लास होगी आपकी, जीएस की 2 क्लासेज होंगी, 1.5 घंटे की 2 और प्लस करंट अफेयर्स। ये पर डे क्लास होगा दोस्तों ऐप पर, फीस है 7999 आपका दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर दोस्तों, जहाँ पर आपको क्लास करने को मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्ड क्लास आप देख सकते हैं इसमें। पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस टाइम पर ख़त्म होगा, 1000 घंटे का सिलेबस दोस्तों टाइम पर ख़त्म होगा आपका। तो ये अगर आप करना चाहें तो सीरियस नोट पर, अगर जो बच्चे सीरियस हैं तैयारी के विषय में, वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो मैंने आपसे कहा कि सिर्फ ज्वाइन करने के लिए कि पैसे ख़राब करना है मुझे, मत कर लीजिए। तैयारी करने के सीरियस मोड में अगर आप हैं तो ही ज्वाइन कीजिएगा। क्लास में टीचर आता है, वो उम्मीद करता है कि आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसको आपकी फ़ीस नहीं चाहिए यहाँ पर यार, उसको पढ़ाना है। और टीचर को अच्छे लगते हैं वो स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं। अगर वो गंभीर हैं तैयारी के बारे में अपनी, तो ज्वाइन कर सकते हैं पूरा। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि कोई टीचर कुछ भी आके ले रहा है, मना गया किसी के, पूरा एक सिलेबस स्ट्रक्चर तैयार किया गया है दोस्तों आपके लिए। पूरा 1000 घंटे का सिलेबस है, मेंटोरशिप है आपकी। ऐसे मैंने लेक्चर लिया, आपको लेक्चर लगातार मिलते रहेंगे वहाँ भी। वहाँ मैं साइंस टेक कराऊंगा आपको, करंट अफेयर्स कराऊंगा दोस्तों वहाँ पर। तो ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच, या इस बैच को आराम से आप लोग जुड़िए मेरे साथ, पूरी टीम के साथ। हमारी कोडा याद रखना है आपको, Y605 यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अंदर काफ़ी अच्छा। तो ट्राई कीजिए, जुड़ पाएँ अगर जुड़ना चाहें, सीरियस कैंडिडेट फिर कह रहा हूँ, जुड़ना चाहें दोस्तों के लिए, सीरियस कैंडिडेट के लिए, जो जॉब करना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं। यूट्यूब अच्छा टाइम पास है आपके लिए, यहाँ करते रहिए टाइम पास, वहाँ आने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन आना है तो सीरियस नोट पर आइएगा फिर, ठीक है दोस्त। तो मैं चाहूँगा अभी आपसे विदा लेना, बहुत जल्दी मिलेंगे 1 बजे, दूसरी क्लास मैडम की क्लास भी है शायद 1 बजे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक लीजिए मुझे आगे, आज को मिलेंगे दोस्तों 10 बजे में इकोनॉमिक्स के आपके बैच, आपके MCQ इकोनॉमिक्स के आज। और कल याद रखिएगा दिन में, कल 11 बजे क्लास है आपका 75 गवर्नमेंट स्कीम्स का ना, इसको मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। इन वन क्लास कल कराऊंगा 75 गवर्नमेंट स्कीम वन क्लास दोस्तों, जुड़िएगा मुझसे। कल से आपके टाइम ज़्यादा रहेगा, कल से आपको ज़्यादा मिलूंगा यूट्यूब पर मैं। हो सकता है मैं आपके लिए कोई टॉपिक स्टार्ट कराऊं यूट्यूब पर जल्द ही, इन 2 और 3 डेज, जो ऐसा टॉपिक जो आप सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं मुझसे, उसको मैं स्टार्ट करूँ आपके लिए, ठीक है। वो भी मे भी 2-3 दिन के अंदर शुरू कर दूँगा आपका संभव भी। तो आप जुड़ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरे साथ। तो अभी दीजिए मुझे आज्ञा, क्षमा चाहूँगा उन बच्चों से जिनको मैंने कहा था रिकॉर्ड करूँगा सिलेबस, लेकिन समय के अभाव है। हम अगले एक और लेकर आऊँगा दोस्तों मैं यहाँ पर, जहाँ मैं आपको सिलेबस रिकॉर्ड करेंगे आपके साथ। अभी दीजिए मुझे आज्ञा, थैंक यू, शुक्रिया।